15 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है और हमारे देशवासियों के बीच देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। 15 अगस्त के दिन भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके त्याग और बलिदान के चलते भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। आज का दिन इनकी बहादुरी, वीरता और शौर्य को नमन करने का दिन है। देश के इन स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी को पाने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन, पूरी जवानी आज़ादी को पाने में झोंक दी। भारत माँ के इन सच्चे सपूतों के लंबे संघर्ष के कारण स्वतंत्रता का सपना साकार हुआ। 15 अगस्त 1947 का जिक्र होते ही गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा हो उठता है। फोरसाइट्स टीवी की ओर से हम उन वीर बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भारत आज़ाद होते होते महात्मा गांधी के आदर्शों से उनके शिष्य ही मुक्त होने लगे थे। लेखक कहते हैं, आज़ादी जो जो नज़दीक आ रही थी, महात्मा गांधी की छत्र छाया में पले सभी नेताओं को महसूस होने लगा कि महात्मा जी की बातें अवैज्ञानिक और देहाती है। वे भारत की भविष्योन्मुखी बनाने की अपेक्षा अतीत पर सम्मोहन की स्थिति में डाल रही है। वे नेतागण चरखे को भारतीय देहात का जागरण चिन्ह ना मानकर उसे गांधी जी का खिलौना कहने लगे थे। गांधी जी के ऐतराज की उपेक्षा करके उन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे के मध्य से चरखे को हटा दिया था। सम्राट अशोक के युगल सिंहों के बीच फंसे धर्म चक्र को राष्ट्रीय झंडे के बीच जगह दी थी ताकि अशोक जिस शक्ति और आधिपत्य का स्वामी था उसकी संकेत किरणें राष्ट्रीय झंडे से फूट सके। आगे कहा गया है, गांधी शक्ति और आधिपत्य के प्रचारक नहीं थे। उनके अनुसार ये दोनों तत्व मनुष्य को हिंसा और पतन की ओर ले जाते हैं। वह तो आत्म जागरण और त्याग के प्रचारक थे। उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रीय झंडा देखने में चाहे कितना ही कलात्मक क्यों न लगता हो, उसमें हिंसा का जो संदेश छिपा है उसके आगे मैं नतमस्तक कैसे होऊंगा। उन्हीं के द्वारा पोषित नेताओं और उनके बीच मतभेदों की अभी तो वह शुरुआत ही थी। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।